डोंबिवली कुएं में फेंकी गई लाश की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार। डोंबिवली पूर्व अड़ीवली पिसौली के नेताजी नगर में 25 जनवरी को मानपाड़ा पुलिस को एक पुरुष का शव कुएं से बरामद हुआ था, जिसे पत्थर के साथ बांधकर कुएं में फेंका गया था। उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर जख्मों के निशान थे। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करके जाँच शुरू की थी। इस संबंध में रीटा लोमवंशी ने अपने पति चंद्र प्रकाश सुरेश चंद्र लोमवंशी के लापता होने की शिकायत 20 जनवरी को पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जो डोंबिवली पूर्व के दावड़ी गांव का रहने वाला था। मानपाड़ा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने के मार्गदर्शन में पीआई गुंड और उनकी टीम ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाकर मृतक चंद्र प्रकाश लोमवंशी की पत्नी रीटा और उसके प्रेमी सुमित राजेश विश्वकर्मी को हिरासत में लेकर सच्चाई उजागर की है। रीटा लोमवंशी का बचपन से सुमित से प्रेम प्रकरण चल रहा था। इस मामले में पति को रास्ते से हटाने के लिए रीटा ने सुमित की मदद से अपने पति चंद्र प्रकाश की हत्या की और लाश को आड़ीवली नेताजी नगर के कुएं में वजनदार पत्थरों से रस्सी और वायर की मदद से बांधकर कुएं में फेंका, ताकि वो शव नीचे ही रहे। मगर 4 दिन बाद शव ऊपर आने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। इस संबंध में अधिक जांच मानपाड़ा पुलिस कर रही। मानपाड़ा पुलिस स्टेशनला खुनाचा गुन्हा दाखल असून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीनियर PI होनमाने, PI गुंड आणि त्यांची टीम API आंधळे, API फडोळ यांनी अतिशय 3-4 प्रकारच्या टीम तयार करून यातील आरोपित सुमित राजेश विश्वकर्मा आणि यातील मयत इस्माची पत्नी रीता चंद्र प्रकाश लोवंशी या दोन आरोपींना ताब्यात घेऊन हा गुन्हा उघडकीस केलेला आहे। या गुन्ह्यात विधी संघर्षित बालकांचा देखील संपर्क सहभाग आहे। आरोपींना पोलीस कस्टडी घेतलेले असून सदर गुन्ह्याचा सविस्तर तपास सीनियर PI होनमाने हे स्वतः करत आहे। यातील आरोपी चंद्रप्रकाश जो आहे, यातील आरोपी सुमित जो आहे, याने चंद्रप्रकाशचा मर्डर हा त्याच्या पत्नीशी असणाऱ्या प्रथमदर्शनी असं लक्षात येतं पत्नीशी असणाऱ्या अनैसर्गिक संबंधामुळे प्रेम एकतर्फी प्रेमातून किंवा त्या मयताच्या पत्नीबरोबर नंतर सलोख्याचे संबंध ठेवता येतील हा दृष्टिकोन ठेवून त्याला मित्रांच्या मदतीनं संपवलेला आहे। अतिशय क्रूरपणे हा मर्डर केलेला असून गळ्यावर चाकूने डीप असा वार करून आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या दृष्टीने फुल प्लॅनड गेल्या 3-4 महिन्यापासून कसा करायचा काय करायचा असा हा फुल प्लॅनड मर्डर होता, परंतु मानपाडा पोलिसांनी हा मर्डर डिटेक्ट करण्यात यश आलेलं आहे।